पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो लगातार एफआईआईज की तो बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही। 3364 करोड़ की बिकवाली कैश बेस में देखने को मिली है। एफएनओ में भी कुछ बिकवाली के फिगर्स आए हैं। घरेलू बाजार हालांकि थोड़ा सा दम लगाने की कोशिश कर रहा है और 2700 करोड़ से कुछ ऊपर की ही हमने खरीदारी होते हुए देखी है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उससे हमारे मार्केट आज क्या संकेत लेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है ट्रेडिंग की, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, लंबा वीकेंड है सामने, सर आज कैसे प्लान करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए एक थोड़ी मुश्किल सी सीरीज का समापन हुआ कल, जहाँ शुरुआत मजबूती के साथ हुई और अंत होते होते हमने लगभग सारे गेंस गवाए। फिर भी हाँ, एक कह सकते हैं कि 300 पॉइंट की तेजी के साथ जो सितंबर सीरीज खत्म हुई है, नेट नेट पॉजिटिव रहे हम। लेकिन अब जहाँ तक नई सीरीज का सवाल है, अक्टूबर सीरीज को लेकर मेरा आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है और उसकी वजह एक हम हल्के नोट पर बाजार में शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आया भी ऊपरी स्तरों से, तो वो भी बाजार के लिए हेल्दी है। अमेरिकी बाजार भी आपको थोड़े इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिख रहे हैं और आपने देखा भी कल अमेरिकी बाजारों में कमजोरी होती नहीं दिखी, निचले स्तर से एक अच्छी सी रिकवरी आती हुई दिखी। इन सब के चलते मुझे लगता है कि आज एक मजबूत शुरुआत होनी चाहिए और अगर सुई शुरुआत होती दिखे तो आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। जो सपोर्ट लेवल है आज के लिए निफ्टी पर, वो 19435 से 19500 इस रेंज में बाजार अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इस रेंज में मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 19675 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज हो सकती है और वहां से फिर देखेंगे कि फॉलो अप खरीदारी कितनी आती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,250 के आसपास का लो हमने बनाया, वैसे तो 44,200 ही अपने आप में सपोर्ट है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी चूंकि थोड़ा सा कम मजबूत है तो मैं आज के लिए रेंज सपोर्ट की बड़ी जो मानकर चलूंगा वो 43,825 से 44,000 की मानकर चलूंगा। इस रेंज को मजबूत सपोर्ट मानिए, इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 44,525 से लेकर 44,675, ये 150 पॉइंट की रेंज वो है जो आपके लिए थोड़ा सा रुकावट का काम कर सकती है। इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो इन लेवल्स पर रखनी है नजर। शुद्ध शुरुआत, कमजोर शुरुआत पर खरीदारी का रुझान रखें, बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी आज लेकर चल सकते हैं। आप बहुत बड़ी तेजी हो ना हो लेकिन ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी मिलेगा और वापस से खरीदारी करने का, तो ये स्ट्रेटेजी आज के लिए आपकी हो